नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं वो आरआरबी एनटीपीसी का है, जो कि 28/3/2016 को पेपर कराया गया था और ये पेपर शिफ्ट 3 में कराया गया था। तो हम उस एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को देखेंगे जो क्या क्वेश्चन दिया गया था, और चूँकि जो पेपर आरआरबी एनटीपीसी का कराया जाएगा तो कुछ पैटर्न आपका इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। ये क्वेश्चन कराने का आपको एक फायदा ये होगा कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरे क्वेश्चनों को आप नोट करते हैं और उसी पे रिवीजन करते हैं, तो जो भी आपका आगे पेपर होगा एनटीपीसी का, उसमें बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज गुणे चतुर्भुज लिखा हुआ है बराबर 48 है। उसी तरीके से वृत्त और त्रिभुज का 24 दे रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वृत्त से 8 दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। अब आप देखकर बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या प्रयोग किया गया होगा कि 48 आया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो त्रिभुज लिखा था और त्रिभुज में चतुर्भुज का गुणा करके 48 लिखा गया था, तो ऐसा क्या वैल्यू सेट करें कि 48 के बराबर हो जाए। अगर हम त्रिभुज की वैल्यू 6 ले लें और चतुर्भुज की 8 ले लें तो 8 6 48 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज की वैल्यू यहां 6 लिए और चतुर्भुज की वैल्यू 8 लिखे हैं तो हर जगह आपको यही काम करना होगा। दूसरे वाले में देखेंगे तो वृत्त गुणे त्रिभुज बराबर 24 दे रखा है, यहां त्रिभुज की वैल्यू 6 रखे हैं तो यहां पर आपको 6 रखना हो। आपने यहां पर 6 लिया है तो यहां भी क्या करना होगा, 6 ही लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां 6 है तो अब इसमें 6 में क्या गुणा करें कि 24 के बराबर हो जाए, मतलब वृत्त की वैल्यू 4 लेना होगा और 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 24 के बराबर हो जाएगा। अब बात आती इसकी कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ ऐसे था, गुणित वृत्त बराबर 8 दे रखा है, वृत्त की वैल्यू 4 ले रखे थे तो यहां 4 लीजिए और 4 में क्या गुणा कर दें कि 8 के बराबर होगा, इसके वैल्यू तब 2 लेना होगा, 4 दुना क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो जरा ध्यान दीजिएगा इसको, ये कुछ ऐसे था, गुणित त्रिभुज बराबर कितना निकालना था, चूंकि इसकी वैल्यू 2 निकाले हैं, त्रिभुज की वैल्यू 6 रखे, 2 × 6 बराबर कितना आ जाएगा 12, यही निकालना था, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 12, तो आपका बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या था, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यदि HIDE का कोड 1440 लिखा हुआ है, WIDE का कोड आपको बताना है क्या होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, क्या वैल्यू रखें कि 1440 निकल कर आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, H का कोड 8 होता है, I का 9, D का 4 और E का 5, अगर हम गुणा करें तो 5 × 20 = 180 और 180 में अगर 8 का गुणा कर दें, 180 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 0 = 864 और 8 × 6 = 1440, मतलब यह है कि इसके नंबर को रख करके सबको गुणा कर दिया गया है। तो यहां पर W का नंबर क्या है 23, 9, 4 और इसका क्या होगा 5 आ जाएगा, और अगर हम गुणा करें सबको तो जरा ध्यान दीजिएगा, 5 × 20 = 20 नंबर कितना होगा 180, 180 आएगा, और जरा देखते हैं क्या 3 इसमें भी गुणा किया गया, 180 में 3 का गुणा कर 3 × 0 = 3 8 = 24 2 3 = 3 3 2 = 5, 540 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 0 = 2 4 8 2 5 = 10, 1080, मतलब यहां पर सीधा सी बात है कि आपको पूरा गुणा करना होगा। आइए देखिए, 5 × 20 = 20 × 180 और 180 में अगर हम 23 का गुणा करेंगे, 0 × 8 = 24, ठीक है, 2 3 × 3 = 5, 0 × 2 = 16 और 2 × 2 = 1 3, 0 4
6, 5, 11 और 3, 1, 4 4, 1, 4, 0 और ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा सी। ध्यान लीजिएगा ये कैसे गुणा 23 × 9 × 4 × 5 ऐसे है। तो सिंपल क्या करिए कि W का नंबर 23 है 23 और I का 9 है 23 × 9 कर लीजिए, D का 4 है 4 × 5 इसका उत्तर क्या होगा 41, 40। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आरआरबी एनटीपीसी का अगला प्रश्न क्या दिया गया था, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रैंकिंग का दिया हुआ है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। दोनों ओर से का मतलब क्या है, देखिए बाएं से भी इधर से भी अगर हम चले तो उसका 14 है और इधर से भी चल के आए तो उसका 14 है। दोनों ओर से का मतलब ये होता है बाएं और दाएं दोनों से 14 होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है जरा देखेंगे कि कुल बराबर बाएं प्लस दाएं माइनस एक। अब बाएं से भी 14 है दाएं से भी 14 माइनस एक करेंगे 14 × 14 = 28 में कम करेंगे कितना आएगा 27, यानी पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 27, यानी उत्तर क्या होगा इसका डी सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यहां पर ये चार ऑप्शन दिया गया है और चारों में से कौन सा ऐसा यहां पर रख दें कि हमारा ये 10 के बराबर वैल्यू आ जाए। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को जहां पर चारों ऑप्शन चेक करना हो तो बिल्कुल आखिरी से चेक करना शुरू करिएगा। पिछले आरआरबी एनटीपीसी बीडीबीएम में ऐसा क्वेश्चन था और मैं बता चुका था कि आप ए से मत शुरुआत करिएगा, कहां शुरुआत करेंगे डी ऑप्शन से, क्योंकि वो परेशान करने के लिए शुरू के नहीं देते हैं, ज्यादातर डी या सी में से कोई एक सही होता है। तो अगर हम डी वाली वैल्यू को रखें तो यहां कहना क्या चाह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यहां प्लस तथा भाग, अगर हम डी ऑप्शन को लेते हैं तो इसका मतलब जहां प्लस है वहां भाग करना होगा और जहां पर भाग है वहां पर प्लस करना होगा। अब चेंज करके देखते हैं, यह होगा 3/2 × 6 − 4 + 5 = 10। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3/ क्या होगा, ये 2 आएगा गुड़े 6 − 4 + 5 = 10। बोडमास का नियम प्रयोग करते हैं और बोडमास के नियम पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो मैंने भाग को यहां लिख लिया था। अगर हम यहां देखें तो पहले गुणा किया जाएगा, 2 × 3 = 6 हमने कर दिया, तीसरी के क्या होगा 9 − 4 + 5 = 10। 9 में 4 कहूंगा नहीं 9 5 14 और 14 − 4 = क्या होगा 10, मतलब 10 = 10 14 में 4 जाएगा तो 10 आएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी डी ऑप्शन आपका जब सही मिल गया तो ये पूरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर उत्तर आपको मिल जाए तो उतने पे क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं होता है, ठीक है ना। पूरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर उत्तर मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो है क्या पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट को 2491 MUCE को 6538 लिखा जाता है तो कंप्यूटर किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर बड़ा आसान होता है इसको सॉल्व करना। देखिए जो कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी में आपको मिल जाएगा सारे अक्षर। देखिए अगर सी की बात करते हैं इसकी सी की, तो यहां पे सी लिखा हुआ है 1, 2, 3 नंबर पे, यानी इसमें 1, 2, 3 नंबर पे क्या है 3, सी का नंबर 3 लिख देंगे। ओ की बात करते हैं तो ओ दूसरे नंबर पे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। एम की बात करेंगे तो पहले नंबर पे यहाँ 6 लिखा हुआ है। पी देखेंगे तो पहले नंबर पे क्या था 2 लिखा हुआ है। यू की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दूसरे नंबर पे यू लिखा है, इसका कोड 5 लिखा हुआ है। टी आखिरी में था यहाँ क्या लिखा हुआ 1। ई का देखेंगे तो ई आखिरी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8। और आर की बात करेंगे तीसरे नंबर पे क्या था 9। तो कंप्यूटर का कोड 3462518
और ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जो है आरआरबी एनटीपीसी में दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ही दिया गया है। क्वेश्चन यहां पर है कि यदि JESUS को EZNPN कोडित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, JESUS को EZNPN कोड किया जाता है, तो ये कोड कैसे किया गया है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका कोड नहीं समझेंगे तब तक आप जय का कोड नहीं बता पाएंगे। देखिए जय का नंबर 10, 5, 19, 21 और 19, यहां देखेंगे 5, 26, 14, 16 और 14। 10 में 5 कम करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 अगर पीछे जाएंगे तो इसे क्या होगा, डी सी बी ए जेड पे पहुंच जाएंगे। 19 से 5 कम करेंगे 14, 21 से 5 कम करेंगे 16 और 19 में 5 कम करेंगे तो 14। तो आप यहां देख रहे हैं कि सब में -5555 कोड किया गया है। तो जैसे इसका कोड है, आप जेड के लिए कोड करेंगे तो इसको लिख लीजिए जे सी के, जे का नंबर 10, ए का 1, सी का 3 और के का क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि पहले वाले में माइनस 5 करके लिखा गया है। तो 10 में 5 कम करेंगे तो 5 का मतलब ई आएगा, 1 में 5 कम करेंगे ए से 5 पीछे आएंगे तो क्या आएगा बताइए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी, कहां पहुंच जाएंगे हम, भी पर, यही होगा ना, ध्यान दीजिएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी, यहां सी में 5 कम करेंगे तो बी ए जेड वाई एक्स ई भी एक्स, और 11 में अगर 5 कम करेंगे तो 11, 5, 6, तो उत्तर क्या होगा, ई भी एक्स एफ, और ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा सब क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि निम्न में अन्य से एकदम भिन्न चुनना है। यहां 4 ऑप्शन दिया है, गाय, डायनासोर, सांप, बंदर। तो आपको पढ़ करके ही लग गया होगा कि सबसे अलग तो डायनासोर ही है, गाय सांप बंदर से सबसे अलग क्या है, डायनासोर। तो विषम छांटना सबसे आसान क्वेश्चन था, जो सबसे अलग आपको दिखाई दे वही विषम होता है। 4 आपको ऑप्शन है, 4 में 3 आपको एक जैसा दिखाएगा, एक आपको जो बिल्कुल अलग दिखेगा वही आपका भिन्न होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का से। ध्यान दीजिएगा, लेखक जो होता है वो पेन का प्रयोग करता है, उसी तरीके सुई का प्रयोग कौन करेगा, 4 ऑप्शन में साफ दिखाई दे रहा, दर्जी करेगा, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध सुई का किससे हो जाएगा, दर्जी से, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन आगे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो टफ टफ दे रखे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा, भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो है। अगला प्रश्न है, कह रहा मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है वही है जो कॉलोनी का से है। ध्यान दीजिएगा, मछलियां जो झुंड में रहती हैं उनको मत्स्य झुंड कहा जाता है, उसी प्रकार से चींटियां जब झुंड में रहती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉलोनी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चींटियां आएगा, ठीक है ना। जो संबंध, ध्यान दीजिएगा, मछली झुंड में रहती है तो उसको मत्स्य झुंड बोलते हैं, और जब चींटियां झुंड में रहती है तो उसको कॉलोनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन आगे अभी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलना बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा चीजों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। यहां पर आपको करना क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है और 4 में से कौन सा यहां उठाकर रख दें कि 14 के बराबर आ जाए।
तो ऐसे क्वेश्चन जहां ऑप्शन चेक करने की बात आ रही, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आखिरी से स्टार्ट करेंगे डी ऑप्शन से, और डी ऑप्शन में देखेंगे प्लस गुणा भाग दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां प्लस रखेंगे, फिर गुणा, उसके बाद भाग। अब सॉल्व करके देखेंगे क्या 14 के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर आ जाए तो यही सही होगा, बाकी हम चेक नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे पहले भाग करते हैं, बोडमास का नियम आप सभी को पता है, सबसे पहले भाग करेंगे तो 7 से 8 ही कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 7 प्लस 7, तो आपको 14 बराबर क्या मिल गया है 14, यानी डी ऑप्शन क्या होगा सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है यहां प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे ये जोड़ श्रृंखला पे चल रहा है, क्योंकि जब धीमी गति से बढ़ रही हो और प्रथम पद और अंतिम पद में अंतर बहुत कम हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो, तो जोड़ श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान सीरीज का क्वेश्चन दिया है, 26 में 3 जोड़ेंगे 29, 29 4, 33, 33 5, 38, तो 38 और 6 कितना हो जाएगा 44, और 44 प्लस 7 कितना होगा 51, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे उत्तर क्या मिल जाएगा 44, ये इसका सही उत्तर होगा। आप देख रहे थे क्रम से 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ता चला जा रहा था, ध्यान दीजिएगा अभी आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है, आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टफ और सिंपल दोनों दे रखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कैलेंडर का, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, अंतिम दिन का मतलब 2012 लीप वर्ष से, मतलब 29/2/2012 को ये बुधवार कहना चाह रहा है, तो कहना चाहता है कि तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था, आपको निकालना क्या है 28/2/2011 को अंतिम दिन क्या था। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है, 2012 में एक माइनस करेंगे 11 तो एक आएगा, क्योंकि 2011 में एक जोड़ देंगे 2012 हो जाएगा, तो जो ये एक आया है क्योंकि बाद से पहले में जा रहे हैं, 2012 बाद का है, ये पहले का है, तो एक जो होगा ये हम यहां पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और बुधवार में एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मंगलवार। अब यहां मंथ तो सेम है तो इसको माइनस करने का आवश्यकता नहीं है, बट डेट अलग है, तो 29 में 28 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा एक, और ये भी बाद से पहले की तरफ आ रहा है तो मंगलवार में माइनस कर देंगे तो उत्तर क्या मिलेगा सोमवार, और यही इसका उत्तर होगा। आप देख रहे थे कितना आसान है, 12 में एक माइनस कर दी 11 को देख आया, बुधवार में एक का माइनस क्यों क्यों किए, क्योंकि भाई बाद से पहले की तरफ आ रहा तो माइनस करते हैं, यहां 29 में 28 माइनस करते एक आया, क्योंकि ये भी बाद से पहले आ रहा था तो मंगलवार में एक माइनस कर दिए, सोमवार क्या होगा इसका सही उत्तर आएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आइए देखा जाए आरआरबी एनटीपीसी में अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया था। आप देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग कैलेंडर, हर चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग हर चैप्टर से पूछ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्यापक का संबंध छात्र से है तो नर्स का संबंध किससे होगा, ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार अध्यापक छात्र को पढ़ाता है उसी प्रकार नर्स क्या करती है रोगी को सही करती है, इसका सही उत्तर क्या होगा रोगी निकल कर आएगा सी ऑप्शन, तो इसका उत्तर सी रोगी सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, एकदम अलग चुनना, यहां लिखा है दौड़ना कूदना योग टहलना, सब देखेंगे तो दौड़ना कूदना टहलना एक तो एक जैसा है, लेकिन योग एक अलग साधन है, इन चारों में सबसे अलग देखेंगे तो योग है, क्योंकि रनिंग जंपिंग जॉगिंग एक जैसा है, आपको योग एक बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें,
एनटीपीसी एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग दिया है तो इस समीकरण को सॉल्व करना है। मतलब पहले चिन्ह को बदलते हैं, जहां पर गुणा है वहां गुणा की जगह प्लस बोला गया था, प्लस के स्थान पर भाग, माइनस के स्थान पर गुणा और भाग के स्थान पर माइनस। जब ये चिन्ह आप चेंज कर चुके हैं तो पहले उतार लेते हैं, 7 + 3 / 2 / 6 - 4। सॉल्व करके देखते हैं इसका उत्तर क्या मिलता है। बोडमास के नियम में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर भाग, गुणा, प्लस, माइनस। तो पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी देखेंगे तो 7 + 3 भाग है, यहाँ प्लस है तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, 3/2 लिख देंगे, गुणे 6 - 4। अब यहाँ 7 × 2 = 14 और 3 कितना होगा, 17 हो जाएगा, 2/2 गुणे 6 - 4, 2 × 3 = 6, 17 × 4 = 51 - 4 करेंगे कितना आएगा, 47। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, सी, सी इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या क्वेश्चन था अगला जो है नेक्स्ट, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का दिया गया है। कथन कह रहा है युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, दूसरा है बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। इन दोनों कथन को पढ़कर के आपको ये दोनों निष्कर्ष बताना है। लेकिन निष्कर्ष बताने से पहले बता दें कि निष्कर्ष का रूल कहता है कि भाई जो भी कथन आप जो भी निष्कर्ष दे रहे हैं वो कथन से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, आप इसमें बढ़ चढ़ करके अनुमान नहीं लगा सकते। तीसरा, निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होना चाहिए, निष्कर्ष सत्य पर आधारित होना चाहिए। अगला, निष्कर्ष में कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे रूल हैं, जब मैं कथन निष्कर्ष पढ़ाऊंगा तो सारे रूलों को आपको लिखवाऊंगा। आइए जरा देखते हैं यहाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ कथन देख चुके हैं, निष्कर्ष कह रहा है युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। ये तो भाई इससे अलग हो चुका है, ये टॉपिक से ही हट गया। मैंने आपको बोला कि निष्कर्ष जो होगा वो कथन से संबंधित होना चाहिए। कथन क्या कर रहा था, युवा बहुत महत्वाकांक्षी, दूसरा बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि युवाओं को नहीं पता किस पर विश्वास किया जाए, ठीक है, वो युवा जो है सही गलत का फर्क कर सकते हैं, लेकिन बस गलत संगति की वजह से वो क्या होता है, गलत लोगों का साथ पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर वो चाहें जिस दिन अपने आप को समझ जाए कि नहीं मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, तो अपने को वो सही कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कुछ युवा बुरे प्रभाव के अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो हाँ ये बात सही है, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो गलत संगति की वजह से जो अपना वो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ संगतियाँ ऐसी होती हैं कि जो आपको राह भटकाती हैं। कहा जाता है कि जैसी संगत राखे वैसे संगत होए, उसी तरीके से अगर आप गलत लोगों का संगति पकड़ेंगे तो गलत सीखेंगे, और अच्छे लोगों का संगति सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे, ये बात सही हो जाएगी। तो दूसरा यहाँ निष्कर्ष सही है, तो इसका क्या होगा, केवल आपका जो है निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे थे इसमें कि कथन और निष्कर्ष के भी क्वेश्चन दिए गए थे RRB NTPC में। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे दे रहा है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में स्कूल को FPUBBY लिखा गया है। स्कूल को आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, FPUBBY लिखा गया है, 2 × 2 = 4 = 6, 2 × 4 = 6, ठीक ना। देखिए यहाँ 19, 3, 8, 15, 15, 12, 6, 16, 21, 2, 2 और 25। यहाँ पर S का ऐसा क्या कोड है जो 6 लिखा गया, कैसे किया गया है।
सी को 16 मतलब 3 जोड़ेंगे, सॉरी 3 में 13 जोड़ेंगे 16 आएगा, 8 में 13 जोड़ेंगे 19, ठीक है 19 में प्लस 13 कर दीजिए, 19 में अगर 13 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 13 जोड़ेंगे 9 3 12 1 1 2 3 32 आएगा, 26 पे जेड होता है, 27 पे ए होगा, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई और 32 पे क्या होगा एफ आ जाएगा, मतलब 13 जोड़ा है, 3 में 13 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 8 में 13 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 15 13 क्या होगा 28 मतलब बी, फिर 15 13 28 का मतलब बी, और 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25, ये इसका उत्तर। तो जैसे यहाँ पर स्कूल का ये कोड था तो आप क्या करेंगे कॉलेज के लिए कोड करेंगे, सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज के लिए कोड करेंगे, 3 15 12 12 5 7 5, 3 में 13 जोड़ेंगे 13 3 क्या होगा 16 का मतलब पी, 15 13 कितना होगा 28 का मतलब बी, लेकिन इतना हम जोड़ क्यों रहे हैं, ये सीधा क्या बोला है कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर पूछा हुआ है, कितना कुछ लगाने का आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। आइए देखिए बीच का अक्षर का मतलब देखिए, इधर से 3 इधर से 3 ले लेंगे तो बीच का अक्षर क्या मिलेगा एल, और 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 का मतलब क्या आएगा वाई, यानी इसका उत्तर क्या होगा डी। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्वेश्चन पर ध्यान देना जरूरी है, यहाँ कह रहा कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, यहाँ कॉलेज में बीच का अक्षर का मतलब टोटल 7 अक्षर है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 3 इधर से ले लिए 3 इधर से, तो बीच का अक्षर एल का हमने क्या किया 12 में 13 जोड़ा तो 25 इसका बीच का अक्षर आएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जो भी बच्चे आरआरपी एनटीपीसी का पेपर देना है वो सीरियसली जो है पूरे क्वेश्चनों को नोट करते चलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी कथन और निष्कर्ष का दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कथन में ए और बी दो पॉइंट दिया गया, पहला पॉइंट देखेंगे तो दुनिया की किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, यहां पर बात कर रहा है कि आत्मनिर्भरता मतलब कि खुद से चीजें करना, ठीक है ना। फिर कह रहा है बी मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। अब निष्कर्ष देखेंगे तो आत्मनिर्भर बनना संभव है। अब ये बता दीजिए कि ये जो पहला पॉइंट लिखा है क्या कथन को पढ़ने से ये बात निकल के आ पा रहा है कि आत्मनिर्भर बनना संभव है। यहां इसने क्यों इतना बोला था कि आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी कर नहीं पाएंगे, वो आत्मनिर्भर कर लेंगे, लेकिन यहां तो असंभव की बात कर दिया, मतलब कभी हो ही नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा कि कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं आना चाहिए, ये नोट करके लिख लीजिएगा। अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष अगर आप बना रहे हैं तो निगेटिव में नहीं दे सकते हैं, ये उसी के निगेटिव बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा, मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन है। अब यह बता दीजिए कि क्या यहां पर कहीं भी मानवीय श्रम की बात किया गया था। भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर निष्कर्ष में कथन से हट करके बात करेंगे तो निष्कर्ष तुरंत गलत हो जाएगा, आप बढ़ चढ़ करके अनुमान नहीं लगाएंगे। निष्कर्ष साफ साफ कहता है आप अनुमान नहीं लगाएंगे, कोई पूर्व धारणा मत दीजिए, क्योंकि निष्कर्ष देना है तो सिर्फ निष्कर्ष दीजिए, 100% फैक्ट बताइए, इसमें अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और निष्कर्ष में कहीं भी पूर्व धारणा या पूर्वानुमान लगाएंगे तो ये भी गलत और ये दोनों के दोनों गलत, मतलब सी ऑप्शन होगा कोई अनुसरण नहीं करता है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी के, और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देख रहे हैं कि बड़े अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, यहाँ कथन निष्कर्ष भी आपने देखा, कोडिंग डिकोडिंग देखा, कैलेंडर देखा, तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे रखे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है, 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, टोटल 70 व्यक्ति हैं वो पार्टी में, 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 52 को यहां क्या बोला है, ये 52 लोग हैं जो कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोल सकते हैं, 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें जो 26 है वो फ्रेंच बोल सकते हैं। अब 26 फ्रेंच बोल सकते हैं तो ये जरूरी नहीं कि केवल फ्रेंच बोलते हैं, अगर यहां पे लिखा होता कि 26 केवल फ्रेंच बोल सकते हैं तो ये 26 आपके अंग्रेजी में नहीं जाते, या प्रश्न में ये कहा होता कि 52 केवल अंग्रेजी केवल लग गया होता तो 52 आपका क्या होता, सिर्फ इतने भाग में रह जाते। यहां बोला है कि 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, मतलब ये 52 में से कुछ ऐसे भी होंगे तो अंग्रेजी के साथ साथ वो फ्रेंच भी बोलना जानते होंगे, ठीक है ना। तो अब आप जानते हैं कि टोटल 70 व्यक्ति हैं, समूह में टोटल कितने हैं, 70, कुल 70 लोग हैं, और 70 व्यक्तियों में आप देख रहे 52 अंग्रेजी जानते हैं और 26 फ्रेंच जानते हैं। तो अब हम निकालेंगे उन व्यक्तियों को जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 52 और ये 26 टोटल जोड़ते हैं तो 6 2 8 5 2 कितना होगा, 7। तो 52 26 जोड़ने पर 78 हो रहा है, जबकि व्यक्ति कितने हैं, सिर्फ 70 लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 लोग ऐसे होंगे, यानी इस 78 में अगर हम 70 माइनस करेंगे तो जो 8 बचेगा, ये 8 लोग ऐसे होंगे जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो आप यहां पर 8 कर लेंगे, और जब 8 यहां पे कर लेंगे तो क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, वो केवल जानना चाहता है, क्योंकि यह बात तो आप यहां जानते हैं कि 26 व्यक्ति फ्रेंच जो बोलते थे वो अंग्रेजी भी आपका बोलते हैं। तो यहां पर कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, इसका मतलब 26 में 8 अगर हम माइनस कर दें, 26 में 8 माइनस कर दें तो 16 में 8 जाएगा तो 8 आएगा, 1 आएगा, तो 18 लोग यहां पर ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके क्या कर सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, क्योंकि इस प्रश्न में यही जानना चाहता था कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते थे। ध्यान दीजिएगा, ये तभी निकाल पाएंगे जब आप ये वाला भाग निकाल पाएंगे, ये वाला, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा आप केवल या सिर्फ वाला जो भाग है वो आप नहीं निकाल पाएंगे। और इसको निकालने का तरीका यही है कि पहले इन दोनों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद टोटल में से माइनस कर दें, 78 में 70 ने माइनस किया तो 8 लोग ऐसे जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन 18 होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया था। अगला उसी जानकारी पर अगला प्रश्न था, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी के लिए क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। यहां पर पहले टोटल कुल दे रखा था 70, तो कुल को अलग करिए, 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये 52 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं आपको बता चुके हैं, 26 इसमें से क्या कर रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, और बाकी अगर बात करते हैं कि यहां बीच में मतलब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, तो 52 + 26 जोड़ने पर 78 आया था, 78 में हमने 70 माइनस किया कितना बचा, 8। यहां अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी की बात बोला है तो 52 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 8 4, और यहां पे कितना आएगा, 5 1 4, तो 44 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए निकल कर आएगा, ठीक है ना। हमने क्या क्या कि पहले 26 52 जोड़ा था 78 आया, 78 में 70 माइनस किया तो 8 आया, 8 लोग ऐसे थे जो दोनों में कॉमन होगा, और 52 में 8 माइनस कर देंगे तो इतना भाग जो बचेगा वो 44 क्या होगा, सिर्फ आपके अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी पे 3 क्वेश्चन पूछा गया था इस निर्देश पर, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसी निर्देश पर अगला प्रश्न क्या था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, ये निकालना है। तो आप देख रहे थे इसमें कि 52 क्या था, अंग्रेजी बोल रहे थे, ये आप निकाल चुके हैं। 26 क्या था, फ्रेंच बोल रहे थे, मैं ये बीच में बता चुका था आपको। टोटल आप क्या करेंगे, 52 26 जोड़ेंगे तो 78 आएगा। कुल टोटल व्यक्ति 70 थे, तो 78 में 70 माइनस करेंगे तो 8 ऐसा होगा जो दोनों बोल सकते हैं, 8 ऐसा जो होगा जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में कॉमन होगा, जिसका सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो एक ही निर्देश पे 3 प्रश्न अलग अलग से पूछा गया था, जो निर्देश स्टूडेंट समझ गए होंगे ये तीनों प्रश्न का सही उत्तर जवाब दे दिए होंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ते चलिए और नोट्स करते चलिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि ब्लड रिलेशन का है। निर्देश दिया गया निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारियों का है मतलब इस पे कम से कम आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, इसी निर्देश पर। आपका पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अभी और करा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर आप इसका डायग्राम बनाना सीख गए तो प्रश्न का जवाब दे ले जाइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है कि पी ए का पिता है, पहले इस लाइन को बनाइए, पी को बोला किसका पिता है, ए का। पिता और पुत्र में एक पीढ़ी का अंतर होता तो एक लाइन हमने क्या कर दिया, पिता को ऊपर करते हैं और पुत्र को नीचे बनाते हैं ना। तो पी को बोला था पी ए का पिता है, तो पी को ए का हम पिता बना दिए। फिर कह रहा है कि जिसका बेटा है, जो शब्द लगा हो चाहे जिसका शब्द लगा हो, ये सेकेंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। देखिए जिसका लगा हो चाहे यहां पर जो का प्रयोग होता है, ये हमेशा सेकेंड पर्सन की बात करता है। और अगर यहां पर ये लिखा होता कि पी ए का पिता है और बेटा उसका एस है, और शब्द का प्रयोग होता तब पी के लिए बात कर, तो जो शब्द लगा हो तो सेकेंड पर्सन के लिए। ध्यान दीजिएगा, पी ए का पिता है, जिसका बेटा एस है, मतलब इसका बेटा क्या होगा, एस हो जाएगा। फिर कह रहा एल के की मां है, जो एस की बहन है, तो एस की बहन यहां पर क्या हो जाएगी, क्योंकि जो शब्द क्या होगा ये सेकेंड पर्सन के लिए बात कर लेगा, यहां पर क्या होगा ये बहन किसकी हो जाएगी, एस की। और एल एल जो थी वो के की माँ थी, ध्यान दीजिएगा एल के की माँ है, एल यहां पर के की माँ हो गई। और जो एस की बहन है, एस देखिए जो शब्द लगा था इसीलिए हमने के की बहन कर दिया, अगर जो के जगह यहां पर और लिखा होता तो हम क्या करते, ये बहन जो होता हम एल को बना देते। आप अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भाई बहन है, अगर ये इसकी माता जी हो जाएंगी तो ये इसके क्या लगेंगे, पिता हो जाएंगे। तो आप इसको पुरुष बनाइए, दोनों में वैवाहिक संबंध करा दीजिए, इसमें एक पीढ़ी का अंतर हो जाए। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इनके पिताजी है, इनकी माता, ठीक है ना, और ये इनके दादा। क्वेश्चन क्या है, ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, ए के साथ का लग रहा है और एल के साथ से लग रहा है, तो ए जो होंगे देखिए से का की तरफ चलेंगे और ए जो होंगे इसके क्या लगेंगे, एल के पति लगेंगे, यहां पर ए पति हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब इसी निर्देश पे 2 क्वेश्चन और था, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पे क्या पूछा गया, ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं सेम निर्देश पर अगला क्वेश्चन क्या दिया था, ए का के से क्या संबंध पूछा था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी ए का पिता है, जिसका बेटा एस है, जिसका बेटा एस हम पीछे बना चुके हैं, एल के की माँ है, एल को बोला था के की माँ है, जो एस की बहन है, जो क्या हो रही है एस की बहन, इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन था, इसमें एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। ए का के से क्या संबंध है, तो ए के साथ का लगा है और के साथ से है, तो इसका क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है ना, क्योंकि ए के साथ का लगा तो ए पिता होगा, अगर के साथ का होता तो इसकी पुत्री हो जाती,
जिसके साथ क्या होता उसी घर में बताना होता है, इसका सही उत्तर क्या होता, पिता होता। अब हम अगला प्रश्न लेके चलेंगे, आइए एक क्वेश्चन और दिया था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम निर्देश पे तीन प्रश्न पूछा गया था, यह आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन था पी ए का पिता है तो यह बनाना जान रहे थे, जिसका बेटा एस है तो ए का बेटा एस कर दिया था मैंने, एल के की माँ है तो एल को हमने के की माँ बना दिया था, जो एस की बहन है मतलब एस की हमने क्या कर दिया, बहन कर दिया, इन दोनों पति पत्नी का रिलेशन था, ये कुछ ऐसे बना था। प्रश्न क्या बताना था, पी का एल से क्या संबंध है, तो पी के साथ का है और एल के साथ से है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये इसके पति हैं, ये इसके क्या लग रहे हैं, ए पति है एल का और इसके पिताजी पी हैं, तो पति के जो पिता होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके पिता है ना, तो पति के पिता इसे क्या लगेंगे, ससुर, और ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा पी के साथ का है तो पी ससुर हो जाएगा एल का, क्यों, क्योंकि जो पी है वो एल के पति के पिता है और पति के पिता हमेशा ससुर लगते हैं, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेके चलते हैं, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, इसमें जो है रिवीजन करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए प्रश्न के उत्तर हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यहाँ चार पॉइंट है, कह रहा है कि अनुमान निश्चित रूप से चार अनुमान आपको लगाना है, तो अनुमान लगाने के लिए पहले इसको बनाना जरूरी है। कह रहा सभी आम मीठे हैं तो आप बना लेंगे सभी आम को क्या कर देंगे मीठे, कुछ सेब इसमें से मीठा पा रहा है यहाँ से बना दिए सेब का कुछ भाग हम क्या कर दिए मीठे को दे दिए। फिर कह रहा है कि सभी गोलाकार फल मीठे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी गोलाकार फल क्या बोल रहा है मीठा बोला। फिर कह रहा है कि जेनी एक मीठा फल खा रही है, जेनी ध्यान दीजिएगा इसको अलग बना लीजिए, जेनी जो है एक मीठा, एक का मतलब सभी होता है ना, ये तीनों अलग अलग ऐसे बना है। अब एक काम कर लीजिए इसको डायग्राम को थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ लेंगे तो आसानी हो जाएगा। ठीक आइए, सभी आम भी मीठा हो रहा है सभी गोलाकार फल भी मीठा हो रहा है, तो अगर हम इसको बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आम ले लीजिए, यहाँ पर सभी आम क्या करना था मीठा करना था, और सभी गोलाकार फल जो था वो भी क्या था मीठा था, ये ऐसे बन गया। फिर कुछ से मीठा था तो यहाँ तक कुछ से हमने क्या कर दिया मीठा कर दिया। फिर जेनी कह रहा है कि मीठा फल खा रहे, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जेनी को भी ले लीजिए, यहाँ जेनी को जगह नहीं है, नहीं तो जगह होता तो और बढ़िया, चलिए हम थोड़ा सा जगह लेके बना लेते, तीनों इसी में आएंगे लेकिन तीनों अलग अलग रहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि सभी आम भी मीठा करना है, गोलाकार जो फल था उसको भी उसका भी पूरा भाग मीठा करना है, और जेनी भी क्या करे एक तरीके से पूरा मीठा फल खा लिए, जेनी भी मीठा फल खा लिए, लेकिन सेब जो है वो जेनी गोलाकार या आम से संबंध नहीं बनाएगा ना, यहाँ पर कुछ सेब क्या कर रहा मीठा, हमने अलग अलग तीनों डायग्राम थे इसको ऐसे हमने जोड़ दिया। अब आइए सॉल्व करते हैं, कह रहा कि जेनी एक सेब खा रही है, सेब का गोला अलग है जेनी अलग है, ध्यान दीजिएगा सेब के मीठा जुड़ा हुआ पहला गला, दूसरा कह रहा है जेनी को नींबू पसंद नहीं है, तो नींबू की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं है ना, आप देखेंगे कि क्या है कहीं नींबू का जिक्र था नहीं, जेनी एक नारंगी खा रही क्या इसमें नारंगी का जिक्र है नहीं, ये भी गलत। कह रहा कि जेनी आम खा रही है, जेनी आम खा रही है उसकी क्या कर इसकी संभावना सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मीठा ये भी है और जेनी मीठा खा रही है, तो आम मीठा है और जेनी मीठा ही खा रही है, तो ये संभावना ज्यादा है, इन तीनों के मुकाबले चौथे वाले की संभावना ज्यादा है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। तो ये थे आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन, आप क्वेश्चनों को नोट बना लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो चैप्टर आपको दिक्कत है, जैसे आप देखें यहाँ पर कि जिस प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको परेशानी हो रही है
उसको क्या करेंगे, किताब ले लीजिए और किताब से पूरा प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आपने अपने मन में आरआरबी एनटीपीसी निकालने का सपना सजो रखा है तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। बिना कठिन परिश्रम किए रेले में सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इकलौते आप अकेले नहीं हैं, बहुत से बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, और इन बच्चों से आगे निकलना है तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। किताब लेकर के प्रैक्टिस करिए, आप अपना दिन भर का एक गोल सेट करिए, ठीक है। जैसे एक टॉपर से पूछा गया था, कि आप दिन भर की पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि मैं डेली एक गोल सेट करता हूँ और उस गोल को पूरा करने के लिए मैं पूरा जी जान से मेहनत करता हूँ, भले ही मुझे अगले दिन का सूरज क्यों ना देखना पड़े। तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना होगा, आप जो गोल सेट कर रहे हैं उसके लिए चाहे कितनों कठिन परिश्रम करना हो, चाहे भले ही स्थितियाँ आपके खिलाफ क्यों ना जा रही हो, भले आपको समय का अभाव क्यों ना लग रहा हो, लेकिन आप समय निकाल करके गोल को अपना पूरा करते चलेंगे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।